नमस्कार नहीं। हिंदी न्यूज चैनल नेता 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुंबई, इस मुंबई नगर में जो एसआरए में जिसको एक रूम मिला था, अलॉटमेंट हुआ था, उसके ऊपर किसी ने कब्जा किया है, तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। ये विषय है अंधेरी पश्चिम सागर सिटी बिल्डिंग नंबर 7 का, तो जहां पर गुलाब खान जी नाम के व्यक्ति थे, उनके नाम से एसआरए में एक रूम का अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन आज कब्जा कोई और करके बैठा है। तो आज गुलाब खान जी की बेटी सायरा जावेद शेख हमारे साथ है। सायरा जी, आज स्टूडियो में आप मौजूद हो, आपके साथ क्या हुआ है बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सायरा गुलाब खान की बेटी बोल रही हूँ। बहुत ज़्यादती हुई हम लोगों के साथ वहाँ पर। जो तारिक गुंडा है वो बहुत बहुत लोगों के ऊपर ज़्यादती करता है। एसआरए ने हमको दे दिया है वो रूम, लेकिन उसने तारिक ने कब्जा कर लिया है, और कब्जा इस हिसाब से किया है। वो बोलता है मेरी हर जगह चलती है, आपको जिधर जाना है आप जा सकते हो। ऐसा क्या हुआ था कि वो कब्जा उन्होंने किया, ऐसा क्या विषय हुआ था? विषय ये हुआ था, तो मेरे पापा दवाखाने में एडमिट थे, हम उनके इलाज के पीछे दौड़ रहे थे। हम उनके इलाज के पीछे 6 महीने तक दौड़े। वो दवाखाने में बहुत एडमिट थे, उस चीज़ का इसने फ़ायदा उठा लिया। वो सोचा वो वापस ज़िंदा होके नहीं आएंगे। वो बहुत सीरियस थे, ये देखने भी नहीं आया। इसको लोगों ने बताया कि गुलाब खान बहुत सीरियस है, उस टाइम उस पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद मेरी मम्मी, हम लोगों में ऐसा है कि इद्दत में बैठते हैं, वो होते हैं, फिर उसके बाद हो गया है लॉकडाउन। लॉकडाउन कैसा हुआ था ये सब लोग जानते हैं। किसी को घर से बाहर नहीं निकलने मिल रहा था, इस वजह से हम वो घर में नहीं जा पाए। उसमें उसने फ़ायदा उठा लिया, और हमारे सब उसके बाद जब हम गए वहाँ पर, तो बोलता है ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, जबकि एसआरए ने अलाउट कर दिया है कि वो मेरे बाप का घर है। अलाउटमेंट मेरे अब्बा के नाम पे है, एनेक्सर 2 पे मेरे अब्बा का नाम है, टोटल चीज़ पे मेरे अब्बा का नाम है, A to Z पेपर पे मेरे अब्बा का नाम है। तो उसके बावजूद भी वो बोलता है कि नहीं, तुम लोगों को ये रूम नहीं मिलेगा, इस पे मेरा कब्ज़ा है। और आज भी वो लाइट का बिल मैं ही भर रही हूँ, और मैं कैसे कैसे करके वो लाइट का बिल भर रही हूँ। हम लोग कैसे कैसे गरीब लोग, वो चला रहा है लाइट का बिल, वो भाड़ा खा रहा है वो घर में, और 2 साल से वो घर का भाड़ा खा रहा है। वो लाइट के बिल का पैसा भी वो भाड़ोत से ले रहा है, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो भाड़ोत्री खुद बोला है मेरे को ये चीज़ से कि ये लाइट के बिल का पैसा भी मेरे से ले रहा है तारिक। तो ये जो तारिक जो है वो आप कह रहे, तो आपके पिताजी को किस तरह जानते थे? ऐसा ये पिता को इस तरह से कैसे जानता था कि वो पप्पा के साथ में रहता था, मेरे काम करता था, उनके हाथ के नीचे था वो। उस टाइम पप्पा मेरे दरगाह पे काम करते थे, गुलाब खान उनके साथ रहता था वो। और जैसे ही मेरे पप्पा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, 6 महीने तक, 1 साल तक वो बहुत सीरियस थे, वो हमारे पास थे, उसी दौर में उसने कब्ज़ा कर लिया। और वो जब पप्पा का इंतकाल हो गया है, तो वो बोलता है कि जाओ ये तुम लोग के पप्पा का रूम नहीं है, जबकि अलाउटमेंट पे मेरे पप्पा का ही नाम। प्लीज़ आप लोग देख सकते हो पेपर में, मैं आपको शो कर सकती हूँ, पूरे पेपर में मेरे पप्पा का ही नाम है। लेकिन जो तारीख है, हम लोग गए मेरे पप्पा के घर पे लेने के लिए, मेरी मम्मी को उनका हक नहीं मिल रहा है, वो सुने नहीं दे रहा है किसी की। वो इतना गुंडागर्दी कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ के लोग उससे डरे हुए, वहाँ के लोग उससे क्यों डर रहे हैं मेरे को ये, वहाँ के लोग बोलते हैं उसके सर पे बड़े लोगों का हाथ है। वो खुद बोलता है कि बड़े बड़े लोगों का, मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, कांग्रेस का हाथ मेरे सर पे, बड़े बड़े नेता लोगों का हाथ मेरे सर पे। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएं, क्या करें, किसके पास? कौन सी पार्टी से जुड़े हो? कांग्रेस। अच्छा, तो कांग्रेस में वो बोल रहे हैं जैसे कि बड़े लोगों का हाथ उनके सर पे है, तो कौन है वो जिनके सर पे इनका हाथ होने के बावजूद ऐसा कर रहे हैं? संजय निरुपम सर का हाथ बताता है, उनका हाथ मेरे सर के ऊपर है। और भाई जगदेव बोलता है, वो बोलता है कि उनका भी हाथ मेरे सर पे, और मैं कांग्रेस का लीडर हूँ, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस दौरान में हमने उसके ऊपर गए, हम हमारे घर पे गए, पुलिस ने हमारा बहुत सपोर्ट करी। मैं पुलिस की बहुत बहुत खुश शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, पुलिस वालों ने बहुत। एसआरए में भी गई थी, उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप बिल्कुल घबराई नहीं, आपके पप्पा का ही नाम है, आप जाइए, आप बिंदास आपके घर पर। लेकिन जो ये तारीख है ये हम लोगों को नहीं घुसने दे रहा है। हम लोग
बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग पैसा नहीं खर्चा कर सकते, और मेरी माँ को भी इसने औरतों को पैसा दे के मार खिलाया है, और ये पैसा दे के औरतों को बुलवाता है औरतों को मार खिलाने के लिए। ये जो तारिक नाम का गुंडा है, प्लीज़ इसको वहाँ से हटा दीजिए, अंधेरी से हटा दीजिए। ये कांग्रेस का सहारा लेके बहुत परेशान कर रहा है, ये सब लोगों को वो करता है, पैसे लेता है वहाँ के धंधे लोगों को। वहाँ पर कितने लोग हैं, एक लंगड़ी औरत है, उसका भी घर उसने कब्जा किया है। वो औरत मेरे पास आई थी, बोली तुम जैसा कर रहे हो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरा भी घर उसने कब्जा किया। उसने कितने कांग्रेस का नाम ले लेके वो सब लोगों को परेशान कर रहा है। अभी मैं आपको क्या बोलूँ क्या बताऊँ, कांग्रेस का लीडर है वो, ऐसा लीडर है, ऐसे काम कर रहा है वो, ऐसे इंसान को तो टिकट भी नहीं मिलना चाहिए। मैं बोलूँ ऐसे, तारिक का पूरा नाम क्या है? तारिक यूनुस, तारिक यूनुस। और उसका बाप तो औरतों को गाली देता है, आपको पता है? ऐसे इंसान को आप कैसे कुछ कर सकते हो, कैसा उसको सपोर्ट कर सकते हो, मुझे नहीं समझ में नहीं आता कि वो जो गरीब लोगों को मारता है, गरीब लोगों को परेशान करता है, ऐसे इंसान को तो उस जगह पे भी नहीं रहना चाहिए, और कोई पार्टी को उसको सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस का लीडर बताता है, कांग्रेस के लोग ऐसे होते हैं, मेरे को तो नहीं मालूम कि कांग्रेस के लोग ऐसे होते हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोगों को बोलता है मेरे बड़े बड़े लोगों का हाथ है मेरे सर पे, ऐसे लोगों का हाथ जो गरीबों का साथ नहीं देते, ऐसे लोग हैं वो जो विधवा औरतों का हक खाते। कि कांग्रेस यही सिखाता है कि विधवाओं का हक खाओ, गरीबों के बच्चों को खींच के बाहर करो घर से, मतलब कांग्रेस ये ताकत बताता है। हमारे साथ सैयद अनिल हबीब जी हैं जो इनसे रिश्ते में लगते हैं। सैयद जी, आप जरा ये बताइए कि इस विषय को आप किस तरह प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल नेता नगरी का बहुत बड़ा आभारी हूँ, और मेरी गुजारिश है जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, चाहे वो ऑफिसर्स हों चाहे वो राजनेता हों, उन लोगों को इस पर तवज्जो देना चाहिए कि उनका नाम ले लेकर लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की गुंडागर्दी हो रही है। जिस तरह से उन्होंने बयान किया अपने गुलाब खां के बारे में, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़े अच्छे मुलाकाती थे, और साथ ही साथ वो हमेशा बेचारा मुझसे यही कहता था कि सैयद भाई अब मेरा रूम जो है वो तैयार हो रहा है, मुझे एक रूम मिल रहा है सारे से। जब भी मैं उनसे मिलने गया था टेकरी पर, या जब भी वो मुलाकात होती थी इनके घर पर, तो मुझसे यही कहते थे कि ये घर मेरा तैयार हो जाएगा, मेरा एक रूम हो जाएगा अपना, और मैंने बहुत मेहनत की है और SRA की तरफ से मुझे अलॉट किया गया है। और फिर उनके साथ जाकर मैंने अपने उनका वसीयतनामा बनाया था, जिसमें उन्होंने पहले ही बहुत साल पहले लिख दिया था, जो हमारे पास है वो वसीयतनामा, कि ये जो रूम होगा ये सिर्फ मेरी बीवी और मेरे बच्चों को जाएगा, इस पे किसी और का हक नहीं होगा मेरे बाद। तो ये बात तो तय थी, और ये बात तय है कि वो घर उनका है। और हम ये भी जानते हैं कि SRA के कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट कानून हैं जो बहुत अच्छे कानून हैं, कि 10 साल तक जब आपको कोई चीज़ अलॉट की जाती है आप उसे बेच नहीं सकते, ना तो आप वहाँ पर कोई किराएदार को रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अवैध शख्स SRA का इतना बड़ा उल्लंघन कर रहा है, उनके कानून का उल्लंघन कर रहा है, और सारे लोग खामोश बैठे हैं, देख रहे हैं, सोसाइटी वाले भी डरे हुए हैं। ये कमाल की बात है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारे कि ये कैसे हो सकता है। क्या इस देश में जिसे हम कहते हैं कि गुंडा राज आ गया है, और हम नहीं मानते कि वो इतना बड़ा गुंडा है या इतना बड़ा शख्स है कि जिससे लोग कांपें डरे। हाँ, वहाँ के लोग जो हैं हमने उनको देखा है, गरीब हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं, उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो कोर्ट कचहरी करें या फिर बार बार किसी झगड़े में पड़े, तो इसका नाजायज फायदा उठाया जाता है। ऐसे लोग जो हैं कुछ गुंडों को पाल लेते हैं, जो जिसे जिन्हें हम एंटी सोशल एलिमेंट्स कहते हैं, नशे की आदत होती है उनको, अवैध काम करते हैं, और इसी तरह के लोग जो हैं पैसों की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब मैं खुद गुजारिश करूंगा हमारी महाराष्ट्र सरकार से भी, अगर वहां तक ये पैगाम पहुंचता है उद्धव जी से, कि भाई हमारा जो राष्ट्र है, महाराष्ट्र वॉज नंबर वन इन द कंट्री, लेट इट बी नंबर वन, इट हैज टू बी नंबर वन। व्हाई? बिकॉज यहां पर औरत जो है बड़ी सुरक्षित है, दूसरी जगह हमने देखा औरतें सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी वालदा के ऊपर भी हाथ उठाया गया, कितने अफसोस की बात है ये। तो बस हम ये चाहते हैं कि हमें सही तरह से इंसाफ मिले। सायरा जी, आप ये बताइए कि आप जैसे आपने बताया कि जैसे आपने दो संजय निरुपम जी का नाम लिया और हमारे भाई जगताप जी का नाम लिया, तो आप उनसे मिले, इस बात को रखा, या आप उनसे क्या कहना चाहोगे?
मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने काम बहुत अच्छे किए, हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो न्यूज़ में बताते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं चाहती हूँ मोहसिन हैदर जी, आप भी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, उसको वहाँ से हटा दीजिए, आप नगर सेवक हैं, मैं आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुनी हो, आप बहुत काबिल इंसान हो, मेरे पापा भी आपकी बहुत तारीफ करते थे, गुलाब खान तारीख ही नहीं उसको, प्लीज़ वो एरिया से आप हटा दो, प्लीज़ प्लीज़, मैं बहुत बहुत गरीबों के ऊपर वो जुल्म कर रहा है, तारीख ही नहीं बहुत बोले तो बहुत गरीबों के ऊपर, और उसने और मेरे साथ साथ और भी लोगों के ऊपर कब्जा किया है। मोहसिन हैदर जी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए मदद कीजिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा तो ये जो एड्रेस है जहाँ पर ये कांड हुआ है, जुहू गली, ये बिल्कुल अंधेरी स्टेशन वेस्ट के सामने एक रोड जाती है, ऊपर जो है गिलबर्ट हिल, वहाँ पर 7 नंबर की SRA बिल्डिंग है, फ्लैट नंबर 1311, 13वां माला, 11वां नंबर रूम है जहाँ पर ये बात हुई है। और अगर आप सायरा जी का नंबर चाहते हैं तो वो नंबर है 9326034243। और जो बंदे को लेकर इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका नाम है तारिक यूनुस, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और प्लीज़ अपने नाम की खातिर, कांग्रेस की खातिर और देश की खातिर हमें कुछ करना चाहिए, बस हम आपसे ये विनती करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।